أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मुख्तार अहमद और मैं हूँ अरसला ताहिर। मेरी जानिब से भी तमाम देखने सुनने वालों को, हाज़रीन को, नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और नाज़रीन, कल भी मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था स्पॉन्सर से पर जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करूँगी। आज भी इतफाक़ है कि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मुझे अफसोस इस बात का ये है कि बहुत दिनों बाद मैंने जो है वो चेक किया, जब हम के हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हुए थे और मैं पता नहीं वो क्रिटिसिज्म थी या पता नहीं क्या था, तो अब एक दो दिन से ज़रा मैं मैसेंजर अपना चेक कर रही हूँ, तो उस पर था कि जी आसान रमज़ान नाम क्यों रखा आपने, और फिर बड़ी सारी चीज़ें आ रही थी, तो मुझे लगा कि चलें इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम स्पॉन्सर्स की तरफ जाएंगे। हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, वो आसानी का मज़हब है, उसमें आसानी है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती जुल्म से या सख्ती के साथ नहीं फैलाया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का, प्यार का, आसानी का दर्ज दिया है। और आपको नहीं पता कि आपका एक सजदा अल्लाह ताला कबूल कर लेगा और या खुदा ना खास्ता किसी के हज़ार सजदे भी कबूल नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला किसको किस बात पर बख्श देगा, किसकी कौन सी अदा उसको पसंद आ जाएगी। और देखा जाए तो बहुत आसानियाँ हैं हमारे मज़हब में। आपने किसी को मुस्करा कर देख लिया, आपने एक सदका दे दिया, आपने किसी का हक नहीं मारा, आपने सच बोल लिया, ये दो चार बड़ी आसान आसान सी चीज़ें हैं जिस पर आपको अल्लाह ताला नवाज सकता है। तो ये सारी आसानियों के मामलात हैं। हमारा दीन जो है वो आसान है, इसीलिए रमज़ान भी आसान है, इसलिए प्रोग्राम भी आसान रमज़ान है। बेहतर मुझे लगा कि शायद मैंने बड़ी तफसील से आपके सारे सवालात का जवाब दे दिया, बस अफसोस ये कि बड़ी आखिर में मैंने देखा, लेकिन खैर जब मैंने देखा और अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं इसको ज़रूर क्लियर करूँ। अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ। हमेशा की तरह बताती हूँ जी, सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। कपड़ों की बड़ी अच्छी कलेक्शन आपने पूरा मंथ तकरीबन मुझे देखी है इनकी पहनी हुई, बहुत अच्छी कलेक्शन है। इस वक्त ईद की कलेक्शन आउट हो चुकी है, ज़रूर जाइए चेकआउट कीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ रिवायत कुकिंग ऑयल, जिनका कहना है कि जी बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सारस परफ्यूम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओमान साई खुशबू, पाकिस्तान को महका रही है, साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे अल्ताहिर क्लिनिक्स का। अगर स्किन के कोई मसाइल है, बालों के कोई मसाइल है, या आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहते हैं, तो एक ही छत के नीचे क्वालिफाइड डॉक्टर्स और बहुत ट्रेंड स्टाफ की ज़ेरे निगरानी आपके तमाम काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे। जी मुख्तार जी, और इसके साथ साथ जब अटायर की बात आ रही है तो पीछे नहीं रहना चाहिए। हबीब कलेक्शन जो कि रेगुलर बेसिस पे हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ज़ाहरी क्लोथिंग, उनकी जानिब से सेट पे भी आ रही है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी अब ईद कलेक्शन उनकी जो है वो आ चुकी है मार्केट में। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे नज़र आएँ तो आपने ईद कलेक्शन के लिए विजिट करना होगा हबीब कलेक्शन को। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सलमान फूड्स का, जिनकी खास करके सॉसेजेस जो है वो अब मार्केट में ज़ाहरी
पिछले कई सालों से अवेलेबल है और अब लोग जो है वो उसे बहुत अच्छे तरीके से परचेज भी कर रहे हैं, काफ़ी डिस्काउंट प्राइसेस में मौजूद है। इसी तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे क्राउन फूड का, और क्राउन फूड का शुक्रिया इसलिए भी अदा करेंगे, कल जब हम बात कर रहे थे तो डेजर्ट जो है वो भी अब आ चुकी है मार्केट में, तो आइसक्रीम फिर डेजर्ट और उसके साथ साथ चॉकलेट जो स्प्रेड्स हैं वो सारी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप ज़रूर विजिट कीजिए, ईद को अच्छे से अच्छा और मीठा बनाइए। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हम HK पॉइंट्स का, एक ऑनलाइन ट्रेड प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर ऑनलाइन आप बहुत सारी चीज़ें परचेज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ खुशबू की जब बात आती है तो बात करेंगे सेंसेशन एस की, और पूरे पाकिस्तान में इनकी ऑनलाइन डिलीवरी भी है। अगर आप चाहते हैं कि ईद पर कुछ अच्छा आप खुशबू लगाएं तो आपने सेंसेशन को विजिट ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ बिल्कुल जी शुक्रिया अदा करेंगे हमारे नाजरीन और हमारे जो हाजरीन उनका भी, हमारे साथ हमारे मेहमान ग्रामी भी इस वक्त मौजूद हैं। और आज जब हम जाएंगे बढ़ते जब मेहमान की जानिब, तो आज के हमारे मेहमान जाकिर शेफ हैं जो कि ख़ास करके इस्लामाबाद से कराची आए हैं। वैसे तो ये मेज़बान हैं और आज ही हमारे मेहमान हैं, तो ये एक हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं नातवां। बिल्कुल, हमारे साथ सादिया मुदस्सर मौजूद हैं, आपको वेलकम करेंगे। कैसी हैं आप सादिया? ठीक है। और साथ साथ हमारे साथ एक और नातवां मौजूद हैं जिनका नाम है अंजला। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। कैसी आप? ठीक है, चलिए चलें जी। बिल्कुल बाकायदा आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम को लेकर। मेरे ख्याल से शेफ की जाने पहले जाना चाहिए या हम पहले नाथ की तरफ जाना, हम दोस्तों की तरफ जाने बढ़े, ये तो हमें कान में पता चलेगा। ठीक है जनाब, अंजला आपका नाम बताया गया था, अंजला या अंजला? क्या बात है भाई। चलिए अंजला, हम चाहेंगे कि आप जो है आज हमारी मेहमान भी हैं, आज हमारे आपके स्टूडियो में भी मौजूद हैं, आपने सबसे पहले हम दोस्तों सुनानी है। ये जमी जब न थी ये जहाँ जब न था, ये जमी जब न थी ये जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, वो जब न था कुछ यहाँ, वो जब न था कुछ यहाँ, हाँ मगर तू ही तू अल्लाह 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 हाँ अल्लाह 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 ला इलाहा तेरी शान या वादा हो, ला इलाहा तेरी शान या वादा हो, तू तजस्सुस ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, नाम तू है भी तू, नाम तू है भी तू, होगा भी तू ही तू, अल्लाह 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 अल्लाह। जज़ाक अल्लाह अंजला, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, माशाल्लाह। बिल्कुल जी, अब शेफ की जानिब बढ़ेंगे हम क्या? बिल्कुल, हम शेफ की जानिब चले जाएं। बिल्कुल जाएं शेफ, हम आपके किचन में आ रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मुख्तार, क्या हाल है, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल मेरा किचन नहीं है, रिवायत वालों का किचन बरसों की रिवायत, और आज के अंदाज में हम बनाने जा रहे हैं आज शीर कोरमा। और अरसला की फरमाइश पे कल ही डिसाइड हुआ था कि बॉन्टीज बाउंड्री, क्या बात है। तो हम आपको अब बताते हैं इंग्रेडिएंट, मतलब एक शीर कोरमा मेरे लिए और बॉन्टीज जो है वो इनके लिए तैयार है। हाँ। बिल्कुल, और इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा मैं भी ले लूँ। क्या बात है, बस मुझे बहुत सारी बाउंड्री चाहिए। ठीक है, सही। अच्छा, हम क्या करने जा रहे हैं, हमने दूर कढ़ने रख दिया है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं मिलाया। अब मैं मिलाऊंगी, और एक तरफ मैंने सेवइयां बहुत थोड़ा सा घी डाला है, सही है, वो मैंने भुनने रख दिए। ये बनस्पति घी है, वही रिवायत का जी, रिवायत, जब रिवायत का किचन है तो ऑयल घी हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, और किसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन, ठीक है। अब मैं दूध के अंदर डालने जा रही हूँ चीनी, ठीक है। जैसे मुझे थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद है, तो मैं इसमें चीनी डालू 1 कप, ठीक है, क्योंकि हम बना भी थोड़ा ज्यादा ही रहे सबके लिए, कि सब खा ले, ईद है। और मेरी तो दुआ ये है कि कल भी हम शो करें सही, और सहरी में हम सब साथ हों, ऐसा ना हो कि आज ही आखिरी हो शो। लेकिन अच्छा किया आपने कि आपने शीर कोरमा आज बनवा दिया। बिल्कुल, ईद अच्छा। के लिए सिखाना जरूरी है ना, और अगर कल हुआ तो फिर कल बिरयानी बना लेंगे। क्या बात, क्या बात, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी रमजान गुजरा है, और बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों सबके साथ काम करके, सबकी बातें सुन के। मैं तो कह रही हूँ कि शो रमजान बढ़ जाए। क्या बात, सही बात है कि बढ़ जाएंगे। देखो अच्छा है, हमें भी कितना मजा आता है, एक पाबंदी हो जाती है हर चीज़ की, खाने पीने की, नमाज की, कि भाई नमाज पढ़नी है। नॉर्मल डेज में ना खाने पीने की होती, नमाज तो बंदा आगे पीछे करके पढ़ लेता है, सही। लेकिन अभी रमजान में लोग पूरी बाकायदगी से नमाज पढ़ रहे हैं, टाइम पे, बिल्कुल सही। वरना कहते हैं चलो आधे घंटे बाद पढ़ेंगे, 20 मिनट बाद पढ़ेंगे, इस तरह चलता है, जो बात सच है, जी जी, ठीक है। लेकिन अब हम, मैं अच्छा थोड़ा क्रीमी रिची फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि दूध ज्यादा नहीं कर पाया, तो मैं इसमें डालू मिल्क पाउडर, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है? ठीक है, मैं वो मिला रही हूँ दूध के अंदर। और ये एक टिप है, आप कभी मिला के देखना शीर कोरमे में, कि आपको खुद कहोगे कि बहुत अलग और अच्छा फ्लेवर था, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, मैंने दूध में इलायची डाली, चीनी डाली, और मैंने मिल्क पाउडर डाला है, किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं। अब मैं इसको 2 मिनट और पकने दूंगी, इतनी देर हमारी सेवइयां भून रही हैं। हम यहाँ शुरू काम करते हैं बॉन्टीज का, क्योंकि बॉन्टीज को ठंडा होने में टाइम लगेगा, ठीक है। हमने लिया थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, आपको पता है रिवायत कुकिंग ऑयल या घी, आप जो दे लो, लेकिन मैं इसमें ऑयल ले रही हूँ 1 टेबल स्पून से, ठीक है। मैंने थोड़ा सा लिया, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर मैं खोपरा थोड़ा सा भूनूंगी, ठीक है, ये मैंने डाल दिया 1 कप खोपरा, क्योंकि ज़्यादा बनानी है ना, अरसलाने का है, क्या बात, ठीक है। अच्छा, मैं शीर कोरमे के अंदर मैं कटे हुए खोपरा भी डाल रही हूँ, मैंने बारीक बारीक काटा है, ताकि अच्छी तरह फ्लेवर आ जाए। बादाम कटे नहीं है, वरना वो भी मैं अभी ऐड कर देती हूँ, सही सही। और मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ कंडेंस मिल्क। हम कंडेंस मिल्क देख के डालेंगे बॉन्टीज के लिए, कि ये बाइंड होने लग जाए, ठीक। बस ये नहीं है, इसमें क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता सकती, ये बाइंडिंग के ऊपर है, ठीक, कि कितना डलेगा वो उसी वक्त पता चलेगा। मैं बता दूंगी, देख लो 1 कप है, छोटा सा, मतलब 1/2 कप समझें इसे, ठीक है। ये 1/2 कप है, अब मैं देख के इसे डालूंगी और मिक्स करूंगी, फिर मैं बताऊंगी कितना डला है, ठीक है। और जब ये अच्छी तरह थोड़ा सा खोपरा अपना पानी चीजें खत्म कर देगा ना, फिर मैं इसके अंदर वो डालूंगी, क्या कहते हैं, इसे मैं उतार कर ठंडा करूंगी। इतनी देर मैं क्रॉन फूड की चॉकलेट मेल्ट करूंगी माइक्रोवेव में, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि हम इकट्ठी मेल्ट नहीं कर सकते, या डबल बॉयलर में हम करेंगे या हम माइक्रोवेव में करेंगे। माइक्रोवेव में करने का तरीका मैंने उस दिन भी बताया था, कि हम इसे थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, लेकिन हम इसमें ऑयल डाल देंगे, तो चॉकलेट में ऑयल डालने से ना शाइनिंग आ जाती है, लेकिन चॉकलेट की पानी से दोस्ती नहीं है, सही। बाउल के अंदर जरा सा भी पानी होगा, आपकी चॉकलेट फट जाएगी। ओ अच्छा जी, इसकी दोस्ती उससे नहीं है, फिर उसे ठीक करना पड़ता है, थोड़ा चला आज चला आपका इम्तिहान भी बड़ा सख्त है, आपको पता है, आज इंटरनेशनल शेफ भी यहाँ मौजूद है, देख रहे हैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है, हमारे सर आए हुए हैं, हमें अच्छी बात सिखाएंगे और बताएंगे। हो सकता है मैं भी कुछ गलती करती हूँ, और हर इंसान करता है गलती, और हर बंदा हर स्टेज में सीखता भी है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। नहीं, लेकिन आपकी हमेशा से हमने रेसिपीज चेक किए, बड़े मजे की होती है सर। नहीं, मैं सर से पूछती हूँ कि सर ऐसा ही है ना, कि हर हर स्टेज में सीखना पड़ता है। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह प्रॉपर एक प्रॉपर तरीके से अपना एक सेगमेंट कर रही है, बड़े मजे की रेसिपी इंट्रोड्यूस करवा रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। स्पेशली फॉर मुख्तार भाई का, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, स्पेशली इनके साथ जो उनकी होस्ट हैं,
मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली आपके चैनल का जो मुझे इतफाक से मेरी बड़े अरसे से मुलाकात थी ना, बामारी बार इंस्टाग्राम पे डिफरेंट चट बातें होती रहती थी, तो उन्होंने कहा था कि जब तुमने आना है ना लाजमी तुमने मेरे शो में आना है, तो मैंने इनसे कमिटमेंट कर ली कि मैं डेफिनेटली जैसे मैं पहुँचूंगा कराची से आई डेफिनेटली कॉल यू ना। ठीक, तो जाकिर साहब हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, और ख़ास करके ज़ाहिर है कि आप भी शेफ़ हैं, तो बचपन से शौक था या कहते हैं ना कुछ चीज़ें इंसिडेंटली हो जाती हैं? नहीं, मुझे मुख्तार भी माशाल्लाह बेसिकली मुझे बचपन से ही कुकिंग का और ना बहुत ज़्यादा शौक था, इवन कि मैं अपनी अम्मी से बड़ा इंस्पायर था, मैंने डिफरेंट चैनल्स को मैंने अपनी स्टोरीज दी हैं, डिफरेंट माशाल्लाह बड़ी हिट हुई हैं, तो लोगों को सीखने का मौका मिलता है, जब तक इंसान को खुद से शौक नहीं हो तो बंदा वैसे ऑटोमेटिकली कोई काम नहीं सकता, कोई इसको कोइंसिडेंस नहीं कह सकता, बंदा समझना कि यार बंदा को बंदे को खुद को चाहिए कि यार मुझे अगर मैंने कुछ काम करना है पहले खुद को उसको एफर्ट्स दूंगी, अगर उसको गर्ड्स नहीं होंगे, अगर उसको शौक नहीं होगा, कोई बंदा खुद से काम नहीं कर सकता, जब तक उसका खुद से शौक, चाहे वो इवन कोई भी काम हो, किसी प्लेटफॉर्म पर कोई भी काम करे व्हाटएवर, तो उसको ज़रूरी है, उसको शौक होना ज़रूरी है, उसको शौक नहीं होगा काम नहीं कर सकता। आप माशाल्लाह जो शेफ़ हैं माशाल्लाह माशाल्लाह लगी हुई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं देख रहा मतलब की बाउंड्री बना रही हूँ माशाल्लाह शीर कोरमा मेरा वैसी इसको कैसे कोइंसिडेंट करता है, मेरा खुद का बड़ा फेवरेट है। क्या बात है, चलो जी फिर आज आप चखेंगे ज़रूर। अच्छा बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि अब शेफ़ की जानिब बढ़ जाए, शेफ़ हमें बताएगा कि मेल्ट हो गई है? नहीं, ये इसे टाइम लगता है क्योंकि अभी बारीक पीसेस नहीं करे, जब आप चूरा करके डालेंगे वो जल्दी मेल्ट होगी, जब हम थोड़ा ब्लॉक डालेंगे उसको टाइम लगेगा, लेकिन इसे हर 20 से 30 सेकंड इससे ऊपर आप करेंगे तो चॉकलेट जल जाएगी, निकालें इसे आप चम्मच चलाएं, मेल्ट होती जाएगी ठीक सही हो जाएगी। चलिए आप अपनी जो है कुकिंग जारी रखें, हम थोड़ी देर बाद आपके पास फिर से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब सादिया मुदस्सर की तरफ चले। हाँ बिल्कुल जी, सादिया मुदस्सर से गुजारिश करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। दादी
सुभानअल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। आपको जब भी सुनती हूँ मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत आवाज़। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ की हिफाजत करे। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। करते हैं खुशामदीद आसान रमजान में, और मुख्तार अब क्या होने जा रहा है? बिल्कुल जी, हम ज़ाहिर जिस तरीके से हमारा फॉर्मेट है, और इस वक्त मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती उस्मान गनी साहब, जो कि मदरसा दारुल उलूम फतहिया कराची से जिनका ताल्लुक भी है। और आज क्योंकि ज़ाहिर हो सकता है कि आज आखिरी शब हो सकता है आज आखिरी रोज़ा भी हो, इस मुनासिबत से मैंने सोचा कि क्यों ना आज का जो टॉपिक हो बड़ा चुन के और सोच समझ के रखा जाए। लैलतुल जायज़ा एक ऐसी रात जिस पे मतलब जायज़ा लिया जा रहा होता। अब ये जायज़ा इसकी फजीलत क्या है, इसकी फर्जियत क्या है, और ख़ास करके कुरान करीम की रोशनी में जो है वो किस तरह इसके लिए शदात फरमाए गए हैं, इस हवाले से मुफ्ती साहब से थोड़ा सा चाहेंगे कि एक छोटा सा बयान हमें ज़रूर सुनाए मुख्तसर कि बेसिकली है क्या लैलतुल जायज़ा। जब एक मज़दूर अपनी मजदूरी पूरी करता है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, या फिर एक ऐसा मज़दूर जिसको महीने का वजीफ़ा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, पूरा महीना काम करता है, तो उससे मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म बताया और उसूली जो नुक्ता बताया है वो ये कि उतुल अजीरा अजरहू क़ब्ल अन यजुफ़ इर्क़ु, के मज़दूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दिया जाए। इसी तरीके से ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये मेहमान महीना, बरकतों वाला महीना, फजीलतों वाला महीना हमारे ऊपर साया फगन हुआ था, अब इंतहा को जब पहुंचा है तो ये इख्तिताम के ऊपर जब इंसान ईद की नमाज़ के लिए जाता है, तकबीरात कह रहा होता है, तो अल्लाह के अर्श के फरिश्ते भी जो है ख़ुशी से धूम मचा रहे होते हैं, वहाँ धूम मची भी होती है, खुशियाँ मना रहे होते हैं। उसी खुशी के दौरान अल्लाह ताला उन फरिश्तों से फरमाता है, मुझे बताओ इस पूरे महीने में मेरे बंदों ने इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त की, वो हलाल और तय्यब चीज़ें जो उनके लिए पूरी ज़िंदगी में हलाल और जायज़ रखी गई हैं, पूरी दुनिया की ख़वातीन हराम, निकाह में आने के बाद वो बीवी जायज़, उसको देखना सवाब, उसके साथ लम्हात गुजारना सवाब, वो भी उसके लिए हराम कर दी गई, कि इस दौरानिया के अंदर ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम अपनी औरत के पास अपने बीवी के पास जाओ। इन सारी चीज़ों से वह बाज़ रहा। अब इतनी मुशक्क़तें गुजारने के बाद अब मुझे बताओ कि इख्तिताम के ऊपर मैं अपने इस बंदे को क्या उजरत दूँ, कैसी उजरत देनी चाहिए? तो उस लम्हे वो फरिश्ते फरमाते हैं कि या अल्लाह, मज़दूर को और इन मुशक्क़त गुजारने वाले लोगों को इनकी पूरी उजरत दे देनी चाहिए। चुनांचे अल्लाह करीम रहमान और रहीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि गवाह हो जाओ मैंने आज इनकी बख्शिश फरमा दी है। चुनांचे तीन आशरे रखे गए, पहला रहमत, दूसरा मगफ़रत, आखिरी आशरा जहन्नम से खलासी का। अब ये ऐसा आशरा है जिसके इख्तिताम के ऊपर, जिसको हम चांद रात कहकर जानते हैं, ये वो रात जो चांद रात होती है, अगले दिन ईद होती है, इसको शरीयत तबार से लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। इसके अंदर इनामात से नवाजा जाता है, इसके अंदर मोमिनीन की जो है बख्शिश की जाती है, तमाम के तमाम लोगों को जहन्नम से खलासी का परवाना नसीब होता है। ये वो रात है कि हर रात तो अल्लाह ताला रहमतों की बरसात फरमाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अल्लाह की सखावत जो जोश मारती है, अल्लाह की सखावत जो अपने फैज़याब से आम कर रही होती है, ये वो रात है। चुनांचे मोमिन का तो पूरी ज़िंदगी ही रमज़ान होनी चाहिए, मोमिन की तो पूरी ज़िंदगी ही रमज़ानुल मुबारक की तरह हर गुनाह से इज्तनाब करते हुए, हराम चीज़ों से दूर रहते हुए, मकरूहात से दूर रहते हुए, हलाल चीज़ों को इख्तियार करते हुए, जायज़ चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए, अल्लाह ताला की रहमतों को, बरकतों को, फजीलतों को हासिल करने के लिए ये पूरी ज़िंदगी है। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान करीम में भी इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम अपनी नमाज को मुकम्मल करो, अपनी नमाज के ऊपर ख़ास तौर पर फोकस करो। वो क्यों? इन सलात तनहा अनिल फहशा वल मुनकर, ये नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकती है, अच्छाइयों की तरफ लेकर जाती है। लिहाजा ये रमदानुल मुबारक के इख्तिताम, ये इसको हम बाज़ारों में ना गुजारें, इसको हम ऐसी जगहों में ना गुजारें जहाँ बेपर्दगी होती है, इसको हम मार्केटों में और ऐसी जगहों पर ना गुजारें जो जो लगवियात की जगह हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। हदीस में तो यहाँ तक आता है कि जो शख्स अपनी ईद के दिन को, दोनों ईदों को ज़िंदा करता है इबादात से, तो वो दिन जिस दिन सारे दिल मुर्दा हो जाएंगे, अल्लाह उस दिन उसके दिल को ज़िंदा रखेंगे। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक की तमाम फजीलतें, तमाम बरकतें, तमाम रहमतें हम सबको समेटने की तौफीक अता फरमाए, खुसूसन ये जो लैलतुल जायज़ा है, इसके अंदर अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हमारे लिए जहन्नम से खलासी का जो परवाना है हमारे मुकद्दर फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम।
बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम को लेकर जाएंगे। और जैसे कि हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, जाकिर शेफ मौजूद हैं, बहुत सारी और भी बातें करनी है। जाकिर शेफ, ज़ाहिर है आप मेज़बानी भी कर रहे हैं रोज़ाना के बुनियाद पर, सुबह मॉर्निंग शोज़ में भी हम लोग देख रहे होते हैं आप आ रहे होते हैं, आज मेज़बान आपको मेहमान बन के कैसा लग रहा है? बिल्कुल अभी मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अंदरा का आपको बहुत शुक्रिया एक दफ़ा और मज़ीद आपके चैनल की तरफ से। स्पेशली मैं हमेशा कोशिश, मुझे वाकई लग रहा है कि मैं फील ऐसा लग रहा है मैं अपना शो करने बैठा हूँ क्यों डेली अब रोज़ाना की बुनियाद में मॉर्निंग शो कर रहे थे। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन था वो बखेर रमज़ान के नाम से, माशाल्लाह सब ने उसको लाइक किया, सब ने अच्छी दुआएँ अच्छे फीडबैक भी ली। और माशाल्लाह मैं आपका प्रोग्राम बिल्कुल डे फर्स्ट से देख रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि असल के मैं वाकई अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ यहाँ पे ना, बहुत मज़ा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे एंजॉय कर रहा हूँ। और वाकई रमज़ान का बबरकत महीना है, इसमें हो सकता है अगले साल हम में से कोई मौजूद हो या ना हो, लेकिन हम सबकी दुआएँ हम दोबारा इसी प्लेटफॉर्म में मिल सकें और अच्छी बात हो नए सफ़र के साथ। और बाकी मुख्तियार भाई माशाल्लाह देखा जाए डे बाई डे लोगों के साथ हम मिलते हैं रोज़ाना, नए जैसे आपके पास नए गेस्ट आते हैं इसी तरह हमारे पास भी वहाँ नए गेस्ट आते हैं, मतलब यहाँ का मौसम वहाँ का मौसम बड़ा फ़र्क है। यहाँ पहुँचा हो तो मैं तो मौसम डिफरेंट था, वहाँ जो वेदर है वहाँ डिफरेंट है ये तो आपको पता ही है। चले जी बिल्कुल, एक और सिलसिला ज़ाहिर है कि खानों की अगर बात करें तो ज़ाहिर है कि हम देखते हैं कि रमज़ान में थोड़े से ट्रेडिशन जो डिशेज़ हैं वो अलग तरीके से सर्व हो रही होती हैं, जो एक रिवायत चल रही है वो एक अलग तरीके से चलती है और नॉर्मल डेज़ में अलग होता है। अब जब ज़ाहिर आप किचन पूरा अपना संभाल रहे होते हैं, अब रोज़ाना की बुनियाद पर काम करना और अब जब आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि पूरा रमज़ान आप जो है वो ट्रांसमिशन अपनी भी कर रहे हैं और साथ में शोज़ कर रहे हैं, तो कितना बड़ा वास्ट डिफरेंस नज़र आ रहा है? हाँ बिल्कुल, आप मुख्तार भी माशाल्लाह डिफरेंट तो बहुत ज़्यादा है, हमें इवन कि हमें चैलेंज डबल हो जाता है, काम डबल हो जाता है, मतलब एक तो मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं उसके अलावा जब रमज़ान ट्रांसमिशन को हम लेके चलते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर अपने जितने हमारे ऑडियंस है जितने हमारे जो पूरे पाकिस्तान के लोग देसी फूड की तरफ, ना सिर्फ हम इटालियन पर जाते हैं कॉन्टीनेंटल जाते हैं उसको छोड़ के हमें देसी को ज़्यादा फोकस करना होता है। देसी हमारे ना सिर्फ पाकिस्तान में जो बैठे लोग हैं वो तो देख रहे होते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर लोग होते हैं वो स्पेशली हमें अच्छा कहते थे बोलते थे कि हमें जो हमारा मेरा अपने खुद का पेज है हमें जो फीडबैक आती है कि यार हमें अटा हमें देसी कुछ नई देसी चीज़ें मिलनी चाहिए, हमें तो हमें देसी तरफ देसी को छोड़ देते हैं, हम इंटरनेशनल चीज़ों को ज़्यादा ऐड करते हैं, लेकिन हमें देसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, अपने मुल्क की जो ट्रेडिशनल डिशेज़ है हम उसको प्रमोट करना चाहिए। इवन कि ना सिर्फ हमें कराची की बड़ी हम इवन के मैं जब शो करता हूँ मुझे इतने मोस्टली मैसेज आते हैं यार जकी भाई कराची की जो बिरयानी है वो तो हमें सिखा दें तो ऑलमोस्ट वो एक नहीं भूलते कोई पाकिस्तान से बाहर हो अंदर हो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, लोग मिस करते हैं इस चीज़ को भी। ठीक, अच्छा मैं जानना चाहूँगी एज शेफ आपकी कोई इंस्पिरेशन है, किसी को देखकर आपको लगा कि आपको शेफ बनना चाहिए या अभी आपको ऐसा लगता है कि इनको आप आइडियलाइज करते हैं? नहीं माशाल्लाह मैंने पहले स्टार्ट में बताया था कि मैं डे फर्स्ट से माशाल्लाह मुझे ना कुकिंग बहुत ज़्यादा शौक़ था, मैं अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, मुझे अपने जो कुकिंग जो बेसिक जो चीज़ें मैं ना अम्मी को देखता था, अम्मी अकेले घर में काम कर रही थी, मैं हमेशा देखा जब छोटे होते थे क्लास में तो जब अम्मी जब मैं स्कूल जाता था उस टाइम अम्मी घर में कुकिंग कर रही होती थी कि यार मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ इनका हाथ बढ़ाऊँ ना, तो इस तरह मुझे शौक के साथ मैंने माशाल्लाह मैंने पढ़ा भी है, साथ ही मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट की अपनी, साथ साथ मैंने पाकिस्तान से बाहर भी रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ में गया हूँ मैं, फिर वहाँ की डिशेज़ सीखी मैंने हर जगह माशाल्लाह। आप हर जगह आप पाकिस्तान में रहते हो ना आपको हर खत्ते के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में आपको वहाँ की अलग नई चीज़ मिलेगी सीखने को, तो मुझे खुद से बड़ा शौक है मतलब क्रेज़ है मुझे सीखने का। ठीक हो गया, आपको तो बहुत सारे डिफरेंट कुजीन बनाने आते होंगे लेकिन खुद ज़्यादा क्या कौन सा कुजीन आप इन्जॉय करते हैं अपने लिए अगर बनाए तो? अगर मैं खुद से अगर पर्सनली मुझसे अगर आप मुझे जो कुजीन पसंद है वो पाकिस्तानी डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या बात है, जबरदस्त बेहतरीन। पाकिस्तानी डिशेस की बात आ रही है तो हमें जाना चाहिए अब शेफ की जाने और पूछना चाहिए कि अब क्या तक पहुंची है रेसिपीज और बॉन्टीज क्या तैयार हो गई हर सलाह की जिसमें से कुछ शेयर मेरा भी होगा। बाउंटीज मैंने कल ही आपसे ये ले लिया था प्रॉमिस, कुछ भी बनाइएगा बाउंटीज में सही भाई, टेस्ट वाली अलग कर दीजिएगा और लेके जाने वाली अलग कर दीजिएगा। हाँ, वैसे ये अच्छी बात, कल आप जो भी बनाएंगे मैं वो भी नहीं खाऊंगी, बस मुझे बाउंटीज सारी दे दीजिएगा। क्या बात है भाई, चले भाई शेफ आपकी बाउंटीज इतनी कुर्बानी में बाउंटीज के लिए दे सकती हूँ। क्या बात, इतनी कुर्बानी दे सकती है कि कल का खाना छोड़ी। हाँ मैं छोड़ दूंगी, बट इस चैनल पे मैं स्पेगेटी बना रही हूँ या व्हाइट पास्ता, ये तो गलत बात है, अभी आपने बयान ये गलत चीटिंग है, ये तो कमाल कर दिया, व्हाइट पास्ता का नाम ले लिया अल्फ्रेडो, आई थिंक अल्फ्रेडो पास्ता तो नहीं बना रही कल गई, अल्फ्रेडो पास्ता जो है ना मैं बना चुकी हूँ शेफ। अच्छा, ये खा भी चुके हैं, खा के क्या बात है,
तो हमने मिस किया पास्ता पे ना? बिल्कुल 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 आपने मिस कर दिया। आप पहले आते तो हम आपको जरूर खिलाते, लेकिन आज आप चखिएगा जो भी हम बना रहे हैं, बस आपको पसंद आ जाए, ये एक बड़ी बात है। हाँ, हमारी बॉन्टीज रेडी की तरफ है कि हमने देखे इतना इसमें मिलाया है कि वो बाइंड हो गया पूरा। हमने और कुछ नहीं इसमें डाला, क्योंकि कंडेंस मिल्क मीठा होता है, चॉकलेट मीठी होती है, तो हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे। हमें इसे सिर्फ खोपरे को बाइंड करना था, इसलिए हमने कंडेंस मिल्क डाला। ये डालने के बाद मैं इसको बस चॉकलेट मैंने मेल्ट करी और ये मैं इस पर लगा देती। अच्छा, हम चॉकलेट में ऑयल इसलिए डालते हैं कि थोड़ी शाइन आ जाए। सही है। या बटर डाल दे, वो आपके ऊपर है कि आप क्या डालना चाहते हैं। अच्छा, हमारा शीर कोरमा भी रेडी है। जबरदस्त, बड़ी क्विक सर्विस चल रही है आज। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें तैयार है। माशाल्लाह शेफ बहुत स्पीड से काम कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत है ना, स्पेशली बॉन्डीज और ना शीर कोरमा बन रहा है, बड़ा मजा है मुझे लग रहा है। खुशबू यहाँ तक आ रही है मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शीर कोरमे के अंदर मैं जाफरानी केवड़ा डालती हूँ एंड में, आप जरूर डालें। ये भी एक नई टिप है आपकी, वो खुशबू के लिए आई थिंक है ना। हाँ, फ्लेवर, आई थिंक फ्लेवर के लिए यूज करते हैं बेसिकली। फ्लेवर के लिए, अच्छा, हम समझते हैं उसे खुशबू के लिए। फ्लेवर, खुशबू भी होती है, फ्लेवर भी होता है, लेकिन हर चीज का, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आप पाउडर मिल्क डालें, वो उसका भी एक अपना फ्लेवर आएगा, क्रीमी टेक्सचर सा हो जाएगा इसका। मतलब आपको लगेगा कि कुछ मिलाई डली हुई है, कुछ डला हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें पाउडर मिल्क डालेंगे, बिल्कुल फ्लेवर चेंज हो जाएगा। और ये अब मैं इसके बाद इस पे डिजाइनिंग करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये जब जम जाएंगी थोड़ी सी 15-20 मिनट में, फिर मैं सर्व करके दिखाऊंगी। सही, ठीक है। चले जी, अब नात की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंजला जी। अंजला आइए। अंजला, हम चाहेंगे कि आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के सआदत हासिल करें।
माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह ज़बरदस्त बहुत ही खूब। और इसके साथ साथ शुक्रिया मैं अभी ना अदा करना चाहूँगा हमारे टॉक बैक पे जो लोग बैठे ना बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े मजे मजे के जोक्स भी होते हैं बड़ा अच्छा लगता है ऐसी ट्रांसमिशन के अंदर बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं हम आप लोग सारे कमेंट की आवाजें जो है वो आ रही है इस वक्त और बस किस किस ने खानी है मैं ये सोच रही थी। अब ये बताएं कि हमें जाना चाहिए शेफ की जानिब क्योंकि मुझे लगता है शीर कोरमा तैयार हो गया है। शीर कोरमा देखने हम आ सकते हैं सर्विंग की तरफ जा रहे हैं शेफ अगर आप कहेंगे तभी आ सकते हैं। आ जाए भैया शीर कोरमा हमारा पूरा रेडी है। ठीक है ये क्या गार्निशिंग क्या कर रही हैं आप इस वक्त? बादाम पिस्ते जब तक इसमें बादाम पिस्ते ना हो शीर कोरमा किस बात का है? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं शीर कोरमे में बादाम हो पिस्ते हो खोपरा हो और हम वो भी डालते हैं छुआरे इसमें काट के पकाते हुए। अच्छा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका और बहुत अच्छा होता है। अच्छा शीर कोरमा जो होता है शीर कोरमा दूध भी नॉर्मली अगर आप कभी पीना हो तो आप वो डालो छुआरे और पका के उसे खाओ बहुत मजे की एक स्वीट डिश सी बनती है। क्या बात है। अच्छा असली शीर कोरमा जो होता है उसमें छुआरे ही डालते? हाँ बिल्कुल डालते लोग डालते हैं जिसको पसंद हो जैसे मेरी अम्मी को पसंद थे तो वो जरूर डालती थी कटिंग करके बारीक बारीक जूलियन कटिंग में वो जरूर डालती थी। मतलब ड्राई फ्रूट आपके लिए टेस्ट पर है जिसको पसंद है वो डाले जिसको नहीं पसंद है वो ना डाले या फिर ये डाले शीर कोरमे में लाजमी डालते लाजमी डालते ये कौन सा शीर कोरमा इसमें ड्राई फ्रूट ना शेफ से पूछते हैं सर। बिल्कुल सही कह रही है जिसने अपनी मर्जी से ना क्या कोई लाइक करता है ड्राई फ्रूट को तो ड्राई फ्रूट तो अगर डेजर्ट में अगर ड्राई फ्रूट नहीं होगा तो मज़ा नहीं आता ना उसकी वो डिश कम्प्लीट इनकम्प्लीट लगती है ऊपर गार्निश वगैरह लगता है बहुत अच्छा था। जब ड्रेसिंग अच्छी ना हो जब चीज़ दिखने में अच्छी नहीं होगी तो खाने में कैसी होगी फिर तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ना उसकी गार्निश का बहुत ख्याल रखा जाता है ना सिर्फ इवन कि हम गार्निश को इस तरीके से हम गार्निश करते हैं कि डिफरेंट ड्राई फ्रूट ले लिए जैसे उन्होंने कहा कि कुछ लोग छुआरे छुआरे जिन्हें पसंद है वो छुआरे की कटिंग करके डिफरेंट स्टाइल से तो मुझे बेसिकली मुझे खुद ही बहुत पसंद है छुआरे अगर इसमें अगर डालेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी इनकी ना क्या बात है। चलें बस आप इसका मतलब है कि बहुत ही टेस्टी जो है वो डिश तकरीबन तैयार हो चुकी है। आपने क्या सर्विंग की तरफ चले गए हमने सर्व कर दिया हमने शीर दिखा दिया हमने कैमरे में बिल्कुल दिखा दें शीर कोरमा हम सर्व कर चुके हैं। चलें ठीक हो गया अब बॉन्टीज जमने रखी हुई है जमने ठीक है उन्हें बहुत देर तक जमने दें आप सर जी ठीक है। मैं चाहती हूँ जरा आधा एक घंटा तो ये जमनी चाहिए प्रॉपर जम जाए ताकि ना खाने में मजा आ जाए हमें उसे वाकई टाइम लगेगा क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि ज्यादा टाइम लगे आज डिस्ट्रीब्यूट होगी मुझे लगता है। हाँ मैं सबको दूंगी अपने हाथ से सबको सब मुझे लगता है मुख्तार भी शेफ ना सबके लिए स्पेशली अलग बाउंड्रीज बनाई हुई है मुझे लग रहा है सर आज बहुत स्पेशल बाउंड्रीज बनी है सर ऐसी क्या बात है हो सकता है कि आज आखिरी दिन हो तो आज हंसी मजाक होना बहुत जरूरी भी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ हम चाहेंगे एक और कलाम ले ली क्या इस वक्त जी बिल्कुल सादिया हम चाहेंगे कि आप जो है एक और कलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या मैं बहक सकूं ये मजाल क्या मेरा राहा है ये दोस्त
कह किस को ये मजार क्या, और ये गुमान था कई साल से, ये गुमान था कई साल से, ये यकीन है कई रोज से के मेरे दिल से गुम्बद माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। नाज़रीन एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद प्रोग्राम आसान रमज़ान में। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे और जैसे कि बड़ी खूबसूरत नात आपने माशाल्लाह पेश किया और आपकी भी माशाल्लाह आवाज़ बहुत अच्छी है दोनों की, और ज़ाहिरी शेफ ने भी अब मेरे ख्याल से तैयारी पूरी कर ली, लेकिन इसके साथ साथ शेफ हमारे साथ जाकिर मौजूद हैं इस वक्त, इनसे भी बहुत सारी बात करनी थी। इंटरनेशनल लेवल पर जाके आपने काम किया और ज़ाहिरी के बाहर एक काम करने का जो प्रोफेशनलिज्म एक अलग है, कराची में और ख़ास करके पूरे पाकिस्तान में एक अलग तरीके से हर चीज़ की तरबियत है, किस तरीके से देखते हैं बाहर से सीख कर लोग आते हैं फिर यहाँ सर्व कर रहे होते हैं, तो क्या वहाँ से सीखा हुआ यहाँ पर अमल होता है या नहीं? बिल्कुल हाँ मुख्तार भाई, हमें माशाल्लाह एक अच्छी वहाँ पे जो सीखने में जो हमें स्किल्स मिलती हैं सीखने के लिए वो डिफरेंट है, वो पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, यहाँ पे जो लोग आते हैं अपने जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में अपने किसी घरों में काम करते हैं तो वो डिफरेंट, वो माशाल्लाह डेफिनेटली अपनी वहाँ पे जो सीखी चीज़ें वहाँ लाजमी सी बात है वो उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं और ना सिर्फ अपने स्किल्स को इम्प्रूव भी करवाते हैं। ना आपने देखा होगा बड़े बड़े चेन्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, वहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, बहुत अच्छे अच्छे शेफ मौजूद हैं और उनसे हमने माशाल्लाह मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मुझे देख भी रहे हैं, आई थिंक बहुत से सबसे मिलते भी हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हैं वो भी ऑलमोस्ट देख रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो अमल है सीखने का यहाँ पे सीखने का बहुत फ़र्क है ना, यहाँ की स्किल्स में वहाँ पे जो वहाँ बेसिकली वहाँ पे डिसिप्लिन है, वहाँ पे इसलिए वो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, हम ऑलमोस्ट हम अगर डिसिप्लिन को फॉलो करें हम ऑलमोस्टली हमारे किचन हमारे रेस्टोरेंट ऑलमोस्टली बहुत ग्रोथ कर जाएंगे। और बाकी हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि मेरी खुद की पर्सनल मेरी है कि कोशिश मैं जहाँ भी जाता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर, मेरा भी फ्यूचर प्लान है कि मैं इंशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तान के बच्चे यंगस्टर जो बच्चे बच्ची हैं उनके लिए मैं एक इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनको वहाँ पे इंशाल्लाह वहाँ पे उनको मैं डेफिनेटली यहाँ पे स्किल्स भी दूंगा किचन के हवाले से भी, रूल्स एंड रेगुलेशन के उनसे प्रॉपर उन पर काम किया जाएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा ये अगर इस तरह का कोई सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम शेफ की जानिब बढ़ जाए क्योंकि आखिरी एक फाइनल टच जो कि हमें दिखाना ज़रूरी है क्योंकि अब जो है वो बाउंटीज भी तैयार हो चुकी हैं और इसके साथ साथ शीर कौरमा जो है वो रेडी हो चुका है, तो शीर कौरमे की फाइनल लुक ज़रा मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएँ कि कैसा नज़र आ रहा है। हमारा शीर कोरमा भी रेडी है, हमारी बॉन्टीज भी रेडी हैं, और शीर कोरमा मुझे पतला नहीं पसंद, थोड़ा गाढ़ा सा पसंद है तो मैंने गाढ़ा ही रखा है। जबरदस्त, पतला भी लोग खाते हैं, वो आपके ऊपर है इसमें दूध मिला दें सही, लेकिन मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा है। सही, सही। सबकी पसंद के ऊपर होता है कि कैसा रहा, और मैं ये कहूँगी हो सकता है ये आज लास्ट सहरी हो, लेकिन मेरी दुआ ये ना हो कल हम दोबारा मिले इंशाल्लाह, और फिर महफिल इसी तरह जो है ना वो लगी रहे। और सबसे बड़ी बात सबसे मिलने का मौका मिलता है, जैसे अरसला से रोज मिलने का, मजे मजे की बातें सुनने का है मुख्तार की, फिर ये शेफ आए जैसे इनसे मिलने का, मुफ्ती साहब से, भाई सबके साथ मिलके बैठ के अच्छा लगता है बहुत काम करके, और अल्लाह करे अगले साल भी हम सब साथ हों और एक साथ हम दोबारा आसान रमजान पेश करें। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ बिल्कुल मैं चाहूंगा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का जिन्होंने खास करके हमारे साथ कोऑपरेट किया पूरा रमजान हमारे साथ जुड़े रहे, और इसके साथ साथ हमारी पूरी टीम का, खास करके अगर मैं MCR की बात करूँ PCR की बात करूँ, बहुत ही क्वालिफाइड स्टाफ हमारे साथ प्रोफेशनल स्टाफ है जिनकी जेर निगरानी ये
पूरी ट्रांसमिशन का निकाल किया गया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते तो ट्रांसमिशन इस तरीके से बहुत अच्छे से स्क्रीन पे पेश नहीं होती, तो इसलिए मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों का आसान रमजान ट्रांसमिशन में शुक्रिया भी अदा करूंगा। इसके साथ साथ मेरे जितने मेहमान ग्रामी आते रहे और जो इस ट्रांसमिशन में चार चांद जिन्होंने लगाए उनका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ मौजूद रहे। और गालिबन हो सकता है कि आज आखिरी सहरी हो सकता है कि कल भी हमें अगर कल एक और सहरी मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि हम जो है वो एक और नेकी का काम करने चले जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, कोई कोताहियां हुई हैं प्रोग्राम के दरमियान या प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम अपने नाजरीन से भी, हमारे जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं या वो तमाम लोग जो कि जिन्होंने हमारी कुछ कोताहियां नोट की हैं, तो हम उनसे माजरत भी चाहेंगे। क्यों अरसला, सही बिल्कुल बिल्कुल, जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसको बिल्कुल माफ किया जाए। हमने मेरे ख्याल पहली दफा रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कोताही जरूर होगी, और सीखने का अमल है, हम भी सीख रहे हैं, आप सब भी सीख रहे हैं, और जब सीख रहा हो कोई तो फिर इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा एक और चीज, मेट्रो वन न्यूज़ का बड़ा शुक्रिया हम यूं अदा करेंगे क्योंकि जाहिर है उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जहां पे हम अपनी आसान रमजान के ट्रांसमिशन को जो है वो आप लोगों के सामने पेश कर आसानी के साथ पेश कर सके। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। इसके साथ साथ मुफ्ती साहब रोजाना की बुनियाद पर हमारे साथ मौजूद होते हैं, रोजाना एक ऐसा बयान के जिससे लाजमी तौर पर मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हो सकता है हमारे नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप रेगुलर बेसिस पे हमारे पास मौजूद रहे, रोजाना की बुनियाद पे आपकी हाजिरी, इसके भी हम बहुत मशकूर हैं। और बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से आखिरी लम्हात हैं और आपका बेहतरीन का बिल्कुल मैं चाहूंगा गिफ्टिंग का मेरा मन होगा, लेकिन एक आखिरी मैसेज हम चाहेंगे, शॉर्ट मैसेज शेफ जाकिर आप एक शॉर्ट मैसेज दीजिए। बिल्कुल, मेरा सबके लिए मैसेज ये है कि हमेशा अल्लाह ताला ये दिन दोबारा सबके लिए लेके आए, और जो भी आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं गरीब गुरबा, ईद के मौके पर उनको कभी मत भूलें, उनके साथ जरूर ताउन करें, और बहुत शुक्रिया जी। ठीक हो गया, और अब वक्त हो चुका है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट काम का, जो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुख्तार की। ठीक है जनाब, बिल्कुल, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारी जानिब बढ़ती है, हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं तो डेफिनेटली उनके शुक्रगुजार भी हैं। और सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ है, रिवायत का कुकिंग ऑयल का ये गिफ्ट है आपके लिए है, इसी तरीके से एक छोटा सा गिफ्ट जो कि आपके साथ जाएगा सादिया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। इसी तरीके से एच के पॉइंट्स और मार्केट पॉइंट का एक और गिफ्ट है, ये आपके लिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। और जाते जाते और कुछ और कुछ कहना चाहेंगे? बस इजाज़त ही लेंगे, आपने माशाल्लाह से बड़ा तफसील से जो है सबसे माजरत भी कर ली है और ये गुजारिश भी कर ली है कि हमें माफ़ कर दिया जाए अगर हमसे कोई गलती हुई है। कल भी अगर हालात ऐसे ही रहे, जिंदगी हालात ने साथ दिया, अल्लाह ताला ने एक और रोजा हमें दिया, तो कल फिर आपसे मुलाकात हो भी सकती है, वरना तो ईद मुबारक वरना ईद मुबारक करने भी आएंगे इंशाल्लाह, ईद मुबारक करने भी जरूर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के मान।